दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंगस्टर अमर्त्य राव के बारे में, जिन पर मूवी आ रही है मुंबई सागा। इस मूवी में अमर्त्य राव का किरदार निभा रहे हैं जॉन अब्राहम। तो कौन था गैंगस्टर अमर्त्य राव, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अमर्त्य राव को डीके राव के नाम से भी जाना जाता था। डीके राव का जन्म मुंबई के माटुंगा शहर में हुआ था और अमर्त्य बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो हमेशा से एक मुंबई का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, लाइक KGF मूवी कैरेक्टर रॉकी। इसलिए मुंबई में उसने बैंक रॉबी करना शुरू कर दिया था और इसीलिए वो बहुत बार जेल भी जा चुका था। बाद में वो छोटा राजन की गैंग में शामिल हो गया था और छोटा राजन के लिए काम करने लगा था। छोटा राजन की गैंग में शामिल होने के बाद उसका हौसला बहुत बढ़ गया था और उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया था। अमर्त्य ने दिन दहाड़े बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को मार दिया था। जो भी छोटा राजन के खिलाफ जाते थे वो उन्हें मार देता था, इसलिए उसके बहुत से दुश्मन बन चुके थे, जैसे कि अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम। अमर्त्य अब आधी मुंबई पर राज करने लगा था। अमर्त्य कई बार जेल जा चुका था और एक बार पुलिस ने उसे जेल में इनकाउंटर करने की कोशिश की थी, पर उसने मरने का नाटक किया और वो बच गया। जेल से बाहर आने के बाद दाऊद इब्राहिम के लोगों ने अमर्त्य को मारने की कोशिश की और उसी कोशिश में उसे 7 बुलेट्स भी लगी थी। इसके बावजूद भी अमर्त्य बच गया। तो अमर्त्य को पकड़ने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। अमर्त्य पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसके ऊपर 3 बार पुलिस ने इनकाउंटर करने की कोशिश की थी, फिर भी वो बच निकला। बाद में छोटा राजन को भारत से डिपोर्ट करने के बाद अमर्त्य उसे अलग हो गया और खुद का गैंग चलाने लगा। जुलाई 2016 में डीके राव को एक बिल्डर से 50 लाख का हफ्ता मांगने के इल्जाम में धारावी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डीके राव के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 दशकों में उसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हुए हैं और उन सारे केस से बरी हो चुका है। 2016 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उसने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में वो राजनीति में नहीं आ पाया। दोस्तों, मूवी में इमरान हाशमी ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सावसकर का रोल निभाया, जिसने अमर्त्य को कई बार मारने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। मूवी में जॉन और इमरान हाशमी के अलावा आपको इसमें महेश मांजरेकर, सुनील शेट्टी और गुलशन गोरो जैसी तगड़ी स्टार कास्ट दिखाई देगी। तो ये मूवी देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना।